मैं इस वक्त शहीदी धरती जनपद गाजीपुर के 8 शहीद वाली तहसील मोहम्मदाबाद के डॉक्टर सी पूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार राय से ये जानना चाहता हूँ, कई सवालात लेकर आज हाजिर हुआ हूँ अपने दर्शकों को, जो तरह तरह की लोगों के अंदर सवालात है, मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जानने का। पहला सवाल आपसे यह है कि हमारे मोहम्मदाबाद के लोग विदेश में जाना चाहते हैं, उनको किस तरह का वैक्सीन लगाना चाहिए? जी, सरकार ने सभी ज़िलों में इसकी व्यवस्था कर रखी है और जिला स्तरीय बूथ वैक्सीन के बड़े हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट और टोक्यो ओलंपिक में जो जाने जा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पर आप अपने पासपोर्ट और अन्य आईडी कार्ड के संग उपस्थित होकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं, मगर ये जिला स्तरीय है, ब्लॉक स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय। समाज में फैली हुई जो बहुत सारी उसको कैसे निकाला जा सकता है? इसका जो प्रबुद्ध वर्ग है वो पहले अन्य लोगों को समझाना चाहिए, संग संग हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जैसे चिकित्सक वर्ग के लोग हैं या इस पेशे से जुड़े लोग हैं, उन लोगों इसमें क्या प्लान है, कितना कामयाबी? जी, हम लोग को बराबर समय समय पर शासन और प्रशासन लेवल पर ये बार बार निर्देश मिलते रहते हैं कि कैसे मूड ऑफ प्लान या मूड ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो उसके तहत हम लोगों ने 3 टीमें बना रखी हैं, एक आपका RRT टीम है, एक वैक्सीनेशन टीम्स हैं और एक सैम्पलिंग टीम। ये तीनों टीम एक संग क्लस्टर में जाती हैं और अब हम लोग पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है 1 तारीख तक, उसके तहत हम लोग क्लस्टर पे इस मोहम्मदाबाद ब्लॉक को विभाजित किए हैं और हर क्लस्टर पे हम लोग 1 से 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2 दिन, जहां हमारी 10 से 12 मोबाइल टीम एक संग जाती हैं और उस क्लस्टर में वैक्सीनेशन करती हैं, और इससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो रही है और हम लोग बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन करा पा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल टीम के अलावा स्टैटिक वैक्सीनेशन टीम भी हैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक में, जो कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे आज का मैं आपको उदाहरण दूँ तो आज हमारी 3 स्टैटिक टीम्स भी काम कर रही थी, 2 मोहम्मदाबाद में ट्रामा सेंटर में कार्य कर रही थी, 1 राजापुर में कार्य कर रही थी और 1 नुनहरा में बर्तर एरिया है वहाँ पर भी हमारी स्टैटिक टीम्स कार्य कर रही थी। तो मोबाइल प्लस स्टैटिक से हम लोग आने वाले गोल को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पे औरतें पूछती हैं, गर्भवती हैं और बच्चे वाली हैं, जी उनके लिए टीका लग पाएगा जी? मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं वैक्सीन उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और टीका नहीं लगाएंगी एकदम, और जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं अपना, वो महिलाएं या लैक्टेटिंग मदर जिसको कहें, वो टीका लगवाएंगे, उन पे इसका स्टडी जो रिसेंट स्टडीज हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि इनका असर नहीं, लैक्टेटिंग मदर लगा सकती हैं और प्रेग्नेंट लेडी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी भी बरकरार है, यानी प्रेग्नेंट लेडी अभी भी टीका लगाएंगी नहीं, तो उससे प्रेग्नेंट लेडी नहीं लगाना है मगर लैक्टेटिंग मदर को लगाना है। इस समाज में पहली बहुत हाँ दूसरी बात, जो मरीज हैं कैंसर के हैं, हार्ट के हैं, शुगर के हैं, वो भी अक्सर आग्रह जी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग ने एक ट्रेनिंग भी दी है और संग संग हमारे जो चिकित्सक हैं
जो वैक्सीनेशन बूथ पे मौजूद हैं वो हमेशा गाइड करते हैं कि जिन किन लोगों को लगाना है, किन लोगों को नहीं लगाना है। तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और हमारे चिकित्सक हैं और जो कंट्रोल रूम्स हैं मोहम्मदाबाद के, उस पर आप स्पष्ट पता कर सकते हैं कि किनको लगाना है, किनको नहीं लगाना है, अगर कोई आपके अंदर शंका है तो। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब को मरीजों के लिए सरकार ने पहले भी 45 प्लस वालों के लिए अलग से एक फेस भी चलाया है, जिसका हमें और आपको जानकारी भी है। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन मरीजों में लग सकता है और बेफिक्र होकर लगाएं आप। और दूसरा एक बात ध्यान दें, अगर कुछ शंका है तो हम चिकित्सक बैठे हैं, पूरी तरह से सहयोग करेंगे और उस शंका का निवारण करेंगे। मगर बेवजह की अफवाहों पर एकदम भी ध्यान, और हमेशा याद रखें अपने चिकित्सक पे पूरा भरोसा करें, वो जिस हिसाब से बताए उस हिसाब से कोविड के नियमों का पालन करें और कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में का हिस्सा बने। एक सवाल और है सर, कि अक्सर आते हैं लोग कि हमने ऑपरेशन कराया है, हार्ट का, हम लगा सकते हैं जी? ये उनके दवा देखकर पता होगा या उनके कंडीशन देखकर पता होगा कि वो लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। मगर मैं फिर से एक मोटा मोटा बता दूं कि असाध्य रोग कोई हो या रिसेंट आईसीयू एडमिशन हो, रिसेंट, हाँ, उनको छोड़ के लगभग रिसेंट में कितने दिन तक के, अभी अगर एक दो महीना पहले का आईसीयू एडमिशन हो, उनकी कंडीशन कभी भी अनस्टेबल मानी जाती है, तो उसको डॉक्टर जो बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति कोविड वैक्सीनेशन लगाने लायक है कि नहीं है। तो इस तरह की हम लोग की कई टीमें हैं, खुद मैं मोहम्मदाबाद ट्रामा सेंटर पे आपको उपलब्ध रहता हूँ, आप देखते भी होंगे, और वहाँ के लोगों का अगर कोई शंका है तो उसका हम लोग हल ढूंढते हैं। अच्छा, तंदुरुस्त बनाने के लिए आपने कौन कौन सा उपाय किया? यू अगर आपका क्वेश्चन ये रहे कि थर्ड वेव का प्रिपरेशन रहे तो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, तो थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 10 बेड का आईसीयू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद पे, हाँ, श्री पूजन राय, वहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं और लगभग 12 बेड मुझे प्राप्त हुए हैं और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीआईसीयू की जो और मेडिकल इक्विपमेंट है ये सब प्राप्त हो रहा है, कुछ हो भी गया है, और पाइपेप्स मशीन से ये सब मुझे प्राप्त हो रहा है, और उनके एचआर को हम लोग ने डिसाइड कर रखा है, और थर्ड वेव से निपटने के लिए हम लोग की तैयारी हर दिन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से तैयार हैं, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें उसकी ट्रेनिंग और ये सब में इजाफा हो रहा है। आज उसी कड़ी में हमारे 3 डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ ट्रेन होने की जिला पे गए हैं, क्योंकि जिला से एक ट्रेनर की भी नहीं। अक्सर देखा गया है मशीनें आपके पास में कि हैंडल करने वाले लोग नहीं। मैं उसी के लिए ही बता रहा हूँ कि हमारे ओटी टेक्नीशियन, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वो 2 दिन की ट्रेनिंग 28 तारीख और 29 तारीख को वो लेने के लिए जिला स्तर पे गए हैं, जहाँ पे उनको काम हमारे में ऑक्सीजन की तैयारी हमारे मोहम्मदाबाद में कहां तक? ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी के हों तो ऐसा तो कुछ मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हम लोग के पास उपलब्ध हमेशा रहता है, और ऑक्सीजन की कोई ऐसी कोई कमी इस ब्लॉक में नहीं है और देखा भी नहीं गया है, पास्ट में भी नहीं देखा गया है, और
यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले से ही उपलब्ध है और अभी भी हमारे पास लगभग 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनको हम लोग एमरजेंसीज में यूज़ भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी वृंदावन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन है, वहाँ पर पाइपलाइन और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की। आपके जो ट्रामा सेंटर है यहाँ भी क्या भूमिका हुई है? जी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट क्या, यहाँ पर हम लोग को अभी 2 वेंटिलेटर्स और 6 बेडेड हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये भी तब तक प्रिपेयर हम लोग कर लेंगे समय पर। बच्चों कहा जा रहे हैं, बच्चों का वेल कमिंग, जी जी, इस संबंध में क्या? मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीको जिसको कहते हैं आम भाषा में, वहाँ पर हम लोग ने महमदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 12 बेड का हम लोग ने लक्ष्य रखा है कि बनाएंगे और वो उस पर कार्य चल रहा है। और उसी कड़ी में मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने HR को ट्रेंड कर रहे हैं।